को बेहतर मशवरा देंगे। मेरा तो यही पैगाम है कि स्टेरॉइड मत यूज करें। अच्छा, आप जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो जाहिर है ये एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें आपको अपनी जो डाइट है उसको प्रॉपर करना पड़ता है, तो आप किस तरह से अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं? देखिए, नॉर्मल जो इंसान है ना वो दिन में 3 बार खाना खाता है, लेकिन बॉडी बिल्डर को दिन में 5 से 6 बार खाना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि फिर वो एक्स्ट्रा फिर जो एनर्जी है वो इंसान ने अपने मसल्स को देनी होती है। तो फिर मैं मैनेज करता हूँ कि मैं सुबह नाश्ते में ब्रेड वगैरह लेता हूँ, अंडे वगैरह लेता हूँ, फिर दोपहर में चावल ले लिया, कीमा ले लिया, बॉयल चिकन ले लिया, फिर शाम आ गई, जिम से पहले कुछ वर्कआउट, कुछ फ्रूट्स ले लिए, फिर जिम के बाद जूसेस वगैरह ले लिए, फिर रात को चावल ले लिए, फिश ले लिए। अच्छा आसिफ, अक्सर ये बात सुनने में आती है कि बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन से पहले जो बॉडी बिल्डर होता है उसे कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाता, ना वो कुछ खा सकता है ना पी सकता है, तो क्या ये सच है? जी, ये काफ़ी हद तक सच है कि 24 घंटे पहले जो वाटर है वो आपका लो कर देते हैं, बहुत ही कम कर दिया जाता है, ना पीने की वजह से जैसे आप रोज़ा रखा है, लेकिन आप उसमें खा सकते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो वाटर स्टोर करता है बॉडी में, तो वाटर तो हमने लीन करना होता है ना बॉडी से, तो पानी बिल्कुल बंद हो जाता है, लेकिन आप खा सकते हैं, जो आपके ट्रेनर जो आपको डाइट देते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अच्छा आसिफ आजकल जो है पिछले चंद माह से टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा फेम मिली हुई है, तो कब से टिकटॉक पर आने का शौक पैदा हुआ? शौक तो मुझे नहीं था इतना टिकटॉक का, मेरे दोस्त मेरे जो थे वो कहते थे मुझे कि यार तेरी बॉडी बहुत अच्छी है, लुक अच्छी है, तो तुम टिकटॉक बनाया कर, फेमस हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, मेरा पहले कंपटीशन है, कंपटीशन में मेरा सारा फोकस जो है मेरा कंपटीशन पे है, कंपटीशन के बाद सोचेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंपटीशन कम्प्लीट नहीं हुआ कोरोना वायरस की वजह से, तो लोगों ने कहा यार चल अब टिकटॉक पे आ जा, तो फिर वहाँ से फिर टिकटॉक का मुझे क्रेज़ नहीं है, लेकिन एज एक अच्छी एक्टिविटी है, एंटरटेन हो जाता है बंदा, तो फिर वहाँ से मैं टिकटॉक में आ गया। मुझे रिसेंटली अभी 2 मंथ ही हुए हैं तो मैं वीडियो बनानी शुरू की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फेम मिल चुकी है मुझे। अच्छा, टिकटॉक पर जब आपको फेम मिल रही है तो टिकटॉक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि बहुत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी टिकटॉक और पबजी, अभी जो गेम बंद हो चुकी है तो काफ़ी इश्यूज़ भी बनते हैं टिकटॉक पर, लोगों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, स्पेशली पाकिस्तान के काफ़ी शहरों में ऐसा हुआ है, तो साहिवाल में तो ऐसा कोई ग्रुप ऐसी ग्रुप बंदी नहीं है इन सोशल मीडिया पर? नहीं, साहिवाल में जहाँ तक मैंने देखा तो साहिवाल में ऐसा कुछ नहीं है। टिकटॉक में पहले होता था कि जो फायरिंग वगैरह करते थे लोग, शीशा वगैरह पीते थे या और ऐसी अनहेल्थी एक्टिविटीज करते थे, तो टिकटॉक उस पर बैन नहीं लगाता थे, लेकिन अब जो है टिकटॉक काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है इस मामले में, तो वो कम्युनिटी वायलेशन देखते हैं, फिर वो फिर ऐसी वीडियो कोई पोस्ट करते हैं जो उनकी कम्युनिटी वायलेशन ना करे, तो ये काफ़ी हद तक अच्छी उन्होंने जो स्टेप उठाया है, मुझे बड़ा पसंद आया कि ये ऐसी वीडियोज को प्रमोट नहीं करती अब टिकटॉक। अच्छा आसिफ, अगर बॉडी बिल्डिंग में साहिवाल की बात की जाए तो साहिवाल जो है वो रावी का इलाका कहलाता है, तो साहिवाल ने बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स प्रोड्यूस किए हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ डिपार्ट्स में जो हैं वो हैं, और उन्होंने अपना काफ़ी नाम पैदा किया, साहिवाल का भी नाम रोशन किया है, तो इसकी कोई खास वजह है साहिवाल से बॉडी बिल्डर्स का निकलना? एक्चुअली जो साहिवाल के जो सीनियर्स बॉडी बिल्डर हैं ना वो काफ़ी समझदार हैं, तो वो उनके भी जो टीचर हैं वो साहिवाल के नहीं, वो लाहौर के हैं, तो साहिवाल की निस्बत लाहौर के जो लोग हैं काफ़ी उनका जो माइंड लेवल सेट है वो है ना एक्सपैंड है काफ़ी, तो उनको ज़्यादा पता है इस बारे में, तो वो उनसे कंसल्ट करते रहते हैं, फिर वही जो उनके मशवरे होते हैं वो अपने जूनियर्स पे करते हैं। अच्छा आसिफ भाई, ये एक माइंड सेट बना हुआ है लोगों का कि जो बॉडी बिल्डिंग है ये थोड़ा सा जो अपग्रेडेड बंदे होते हैं, जो वेल सेटल्ड फैमिली से होते हैं, खाते पीते घरानों के बच्चे होते हैं और वो करते हैं, तो क्या एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जो हैं वो भी इस गेम को ज्वाइन कर सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं ये चीज़ें? गुड क्वेश्चन, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जो बॉडी बिल्डिंग है ना ये एक एलीट क्लास लोगों के लिए है, बिल्कुल ऐसा ही है कि बॉडी बिल्डिंग में जो है ना एक एलीट क्लास के लोग ही अपने आप को फिट कर सकते हैं या अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट भी इस फील्ड को इतनी सपोर्ट नहीं करती कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी कोई एक्टिविटीज़ बना दें, ऐसी कोई SOPs बना दें कि लोग इससे एम्प्लॉयमेंट मिल सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो है पहले भी लेकिन इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों को लोग इसको अपना प्रोफेशन बनाएं, लोग प्रोफेशन बनाने से डरते हैं इससे, क्योंकि पाकिस्तान में यही है कि बॉडी बिल्डिंग में कुछ नहीं मिलता, आप लगाते ही हो आपको मिलता नहीं है कुछ। अच्छा आसिफ, हमें पता चला है कि आप एज ए ट्रेनर भी जो है वर्क कर रहे हैं साहिवाल में, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, लोग आपके मोहतरफ हैं इस मामले में, तो एज ए ट्रेनर, एज अ प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर, आप आने वाले जो यंग हैं बॉडी बिल्डर्स जो या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका?
देखें, जब से सोशल मीडिया पीक पकड़ी है, लोगों ने अपने आप को महदूद कर लिया है मोबाइल तक, सोशल मीडिया तक। लोग अब कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, वो मोबाइल में जो गेम्स है, पबजी होगी या ऐसी कोई गेम्स होगी जिससे वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है लोगों को। तो मैं तो कहता हूँ कि लोगों को चाहिए कि वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हों, अपने आप को ग्राउंड के साथ लिंक करें। अच्छा आसिफ, आपकी साहिवाल में काफ़ी फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर भी, और इन रियल जो हैं बॉडी बिल्डर्स वो आपको जानते हैं, तो कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स होंगे जो आपसे ट्रेनिंग करना चाहेंगे, तो आप उनको ये बता दें, हमें ये बता दें कि साहिवाल में किस जगह पर आप ट्रेनिंग करवाते हैं? साहिवाल में मैं बट जिम में ट्रेनिंग करवाता हूँ। जी तो नागरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स ग्राउंड, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई साहिवाल के मल्टी टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन मोहम्मद आसिफ से। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में साहिवाल के खेल के मैदान के किसी और सितारे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।